गाइस, तो कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ यार सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को और दिनों को हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आ गए हैं मैं और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी मतलब मज़े की वीडियो लग रही है। और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद हमारा बैकअप चैनल सब्सक्राइब यार लाजमी कर दो, क्योंकि यार ये वाला चैनल हैक हो गया था तो कहीं अपडेट नहीं दे सके, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो प्लीज़ कर दो। सो सबसे पहले आते हैं वीडियो के सॉरी अपने तारुफ पर, उसके बाद देगा ये भाई आपको वीडियो का टाइटल। मैं हूँ बशीर वलिया वजह। तो आज की वीडियो जो कि टाइटल जो कि हमने खुद इस दफा पिक किया वो है टॉप 10 इंडियन मॉडर्न साइंटिस्ट। तो देखते हैं इंडिया के मॉडर्न साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो देखते हैं जल्दी से वजात, कुछ एक बट एक दो का तो मेरे मतलब माइंड में नाम आ रहा है, मेरा तो एक दो का भी नहीं। इसमें ओवरऑल है या तो फिर ओवरऑल होंगे या तो मतलब अभी इस दौर के होंगे, मॉडर्न बोल रहे हैं लेकिन ना इसमें पुराने नहीं होंगे, मॉडर्न साइंटिस्ट जो इंडिया में, पता नहीं अब देखते हैं इंडिया या वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर है। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक मिनट सही नहीं हुआ भाई, दोबारा से कर। एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं। इसका इतिहास काफी प्राचीन और अद्भुत भी है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने इन्वेंशंस करके हजारों सालों से वर्ल्ड में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। क्या आप जानते हो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ऐसी साइंटिफिक जब दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी सिर्फ खाना और पानी जुटाने में लगी थी, एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट, सर्जरी में सुश्रुत, न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवरी के 800 साल पहले उसको डिस्कवर करने वाले भास्कराचार्य कुछ ऐसे प्राइम एग्जांपल्स हैं जिन्हें सुनने का गर्व होना चाहिए। और वेल, आज के इसी वीडियो में हम देश के कुछ महान मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनकी डिस्कवरी से हमारी ही नहीं मॉडर्न के बारे में बात होगी, सोच बदलने में और सभी की जिंदगियों को आसान बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सर सी वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था 1888 में छपली में, जो उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रोविंस में था जो आज का तमिलनाडु है। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और 1904 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में गोल्ड मेडल से ग्रेजुएट हुए, और फिर 1907 में सिर्फ 19 साल की उम्र में एमएससी इन फिजिक्स विद हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर किए। उनकी जिंदगी के साथ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। जब वो शिप से यूरोप जा रहे थे तो मेडिटेरेनियन सी और उसके आगे ग्लेशियर्स का कलर उन्हें ब्लू जैसा दिखाई दिया। हैरान होकर उन्होंने इस पर इंडिया आकर रिसर्च करना शुरू किया और पाया कि जब लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ट्रैवल करती है तो वो कुछ डिफ्लेक्ट यानी स्कैटर या मुड़ जाती है, जिससे उसका वेव का लेंथ यानी लंबाई चेंज हो जाती है और हम इसे एज अ कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं। ये इफेक्ट सारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में पाया जाता है। 1930 के इस ओरिजिनल डिस्कवरी को द रमन इफेक्ट कहा गया, जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। साइंस के लिए नोबेल प्राइज लेने वाले इंडियन नहीं थे बल्कि फर्स्ट एशियन भी थे। नंबर 2, होमी जहांगीर भाभा। 1909 में बॉर्न होमी जे भाभा एक वेल्दी पारसी परिवार में पैदा हुए थे और हमारे देश के महान न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के फाउंडिंग डायरेक्टर थे और उनका क्वांटम थियरी में भी काफी बड़ा योगदान था। ब्रिटेन में एक अच्छा जॉब छोड़कर 1939 में कुछ दिनों तक उन्होंने सर सी वी रमन के अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम किया और बाद में उन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, जिनका काम था इंडिया के ह्यूज थोरियम रिजर्व से और ना कि यूरेनियम रिजर्व से उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना के बिजली पैदा करना। उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर कहा जाता है, लेकिन वे न्यूक्लियर एनर्जी को एटम बॉम्ब्स बनाने और उस एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज करने के फेवर में थे, जिससे हमारी देश की गरीबी और मिजरी खत्म हो सके। राइट, 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई और कॉन्स्पिरेसी थियरी में ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें CIA का हाथ था। डेथ के बाद मुंबई के एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदल कर भाभा PERC रखा गया। नंबर 3, जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र बोस या शॉर्ट में JC बोस का जन्म 1858 में मुंशीगंज बंगाल प्रेसिडेंसी जो अब बांग्लादेश में है वहाँ हुआ। इनमें बहुत सारे टैलेंट्स थे और आप इन्हें बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, फिजिसिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, साइंस फिक्शन राइटर कह सकते हो, जिन्होंने प्लांट्स और एक्सपेरिमेंटल साइंस के फील्ड की फाउंडेशन रखी। जेसी बोस पहले वो इंसान थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की स्टडी को पायनियर किया था और इसके बाद सेमीकंडक्टर
कंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल करके उन्होंने रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया, जिसको अब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी। और मजे की बात तो ये है, इन्होंने किया सब इन्वेंशंस को दूसरे साइंटिस्ट को हेल्प करने के लिए बिलीव करते थे, उनके साथ ओपनली डिस्कस करते थे और कमर्शियल यूज करके पेटेंट्स करने के सख्त खिलाफ थे। उनकी इन्वेंट की हुई क्रेस्कोग्राफ से प्लांट्स के डिफरेंट स्टिमुलाई या उत्तेजनाओं का रिस्पॉन्स मेजर किया जा सकता था, जिससे ये साबित हो गया कि प्लांट्स भी दर्द, खुशी और अफेक्शन महसूस कर सकते हैं और तापमान और मौसमों का प्लांट्स पर भी असर होता है। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित करके सर जेसी बोस की उपाधि दी और लास्ट ईयर में तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने 50 pound करेंसी नोट पर सर जेसी बोस को वाईफाई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए रीडिजाइन और नॉमिनेट किया है। नंबर 1919 में गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट अंबालाल साराभाई के घर जन्मे विक्रम साराभाई एस्ट्रोनॉमर थे। सीवी रमन उनके पीएचडी थीसिस में एडवाइजर थे और हमारे प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के फाउंडर मेंबर थे। 1947 में जब वो सिर्फ 28 इयर्स के थे तब अहमदाबाद में उन्होंने फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी फॉर्म की थी और सोवियत यूनियन के 1957 में स्पुटनिक सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के महत्व को समझाया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को हमारा पहला स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में लॉन्च किया और इसी की वजह से उन्हें द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। थिरुवनंतपुरम में इसरो ने उनके नाम से विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया है और अभी हाल ही में चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम मेमोरी में रखा गया था। नंबर 5 श्रीनिवास रामानुजम। 1887 में तमिलनाडु में पैदा हुए एस रामानुजन एक महान मैथमेटिशियन थे जिनके पास पूरे मैथ्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन लेकिन फिर भी मैथ्स में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने खुद के मैथमेटिकल थ्योरम्स खोज निकाले थे और मैथ्स के एनालिसिस, नंबर थ्योरी, सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस ये भी उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ दिनों तक इंग्लैंड में रहने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई और जब वे वापस भारत आए तो केवल सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, वरना मैथ्स में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और अधिक हो पाता। आज भी तमिलनाडु में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को स्टेट आईटी डे मनाया जाता है। प्रेस्टीजियस, राइट? नंबर 6 एपीजे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में एरोस्पेस इंजीनियर का काम किया है। उन्होंने अपना करियर इंडियन आर्मी के लिए छोटे हेलीकॉप्टर्स डिजाइन करते हुए स्टार्ट किया था और बाद में उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर एक कमेटी में भी काम किया। 1969 में इसरो ट्रांसफर होने के बाद एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने हमारे स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 पर भी काम किया है और इसी SLV-3 ने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली डिलीवर किया था। सन 1997 में मिसल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया और 2002 से 2007 तक वे भारत के 11th प्रेसिडेंट थे। लोग उनके बारे में जानते हैं कि श्री प्रमुख स्वामी महाराज उनके अल्टीमेट गुरु थे और वे हमेशा ये कहते थे कि फॉर ग्रेट मैन रिलीजियन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स बट फॉर स्मॉल पीपल इट इज अ सही बात की थी। नंबर 7 एस विश्वेश्वरैया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर और उस वक्त के मैसूर राज्य के दीवान भी रह चुके हैं। 15 September 1860 को इनका जन्म हुआ और इसीलिए आज हमारे देश में 15 September को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स जिससे डैम के पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम को इन्वेंट किया जो आज भी एक इंजीनियरिंग वंडर है। मैसूर के कावेरी नदी में कृष्णा राज सागरा डैम पर उनके बनाए हुए स्लुइस गेट्स लगभग सालों बाद भी काम कर रहे हैं और 1955 में उन्हें भारत रत्न भी किया गया था। नंबर 8 सत्येंद्र नाथ बोस। इनका फिजिक्स के पार्टिकल स्टैटिस्टिक्स में बड़ा जिससे उन्होंने ये साबित किया बिहेवियर ऑफ फोटॉन्स और पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंक्लोजर में कैसे बिहेव करते हैं और इससे 20th सेंचुरी के क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड में और आगे साइंटिस्ट को रिसर्च करने में प्रेरणा मिली। इनके एडवाइजर जगदीश चंद्र बोस थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक ही
साइंस बुक जो उन्होंने अपने करियर में बनाया विश्व परिचय इनके नाम पर ही डेडिकेट किया था। 1924 में उन्होंने प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा पर रिसर्च करके उस वक्त के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा था और आइंस्टाइन उस रिसर्च की एक्यूरेसी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे जर्मन साइंस जर्नल में पब्लिश किया और इस इंटरप्रिटेशन को अब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और आगे चल के इसी रिजल्ट ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फील्ड की नींव रखी। पार्टिकल फिजिक्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उन्हीं की मेमोरी में बोसॉन्स नाम रखा गया है। सही बात है यार। अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस को किसी और के इंडिया के लिए इस्तेमाल इंडिया के लिए इस्तेमाल किया और दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया कि हम भी वाकया में यार नहीं है। और फ्रेंड्स, अभी के करंट सिचुएशन को देखकर आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव कि इंडिया में और भी बहुत से ऐसे ही जीनियस साइंटिस्ट का जन्म होते रहेगा जो इंडिया के लिए योगदान देकर इसे बहुत जल्द एक सुपर पावर बनाकर ही रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हमारा भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और इसीलिए आई ऑलवेज से स्टे क्यूरियस एंड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। यही तो एक चीज है जो हमें इंसान जानवरों से अलग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि आगे आपको और बहुत ही और यहाँ पे हुई वीडियो खत्म। लिंक आपको नीचे मिलेगा, चेक कर लेना। इस चैनल का गेट्स फ्लाई साइंस नाम है इसका और गेट्स एट फ्लाई साइंस थोड़ा मुश्किल है, मतलब वो जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल अलग अलग कर रही गेट्स एट फ्लाई साइंस। तो अब आते हैं रिव्यू की तरह। बिल्कुल, तो यार मतलब कुछ के नाम तो हमें पता थे लेकिन कुछ के नहीं पता थे, मुझे दो के पता थे बस। मुझे पता है तीन चार विक्रम सारा भाई के, अच्छा मिसाइल मैन, तो कौन और नहीं बोस, अच्छा फिर टेगोर, वो वाले इनके नाम मुझे पता थे और फर्स्ट वाले को भी मतलब नोबल फिजिक्स का प्राइज मिला है। एग्जैक्टली यार, मतलब ये चीज कम नहीं है और इंडियंस को प्राउड होना चाहिए कि मतलब कि उनके देश में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। बिल्कुल वही ना, मतलब एक बंदा सोचे तो दंग रह जाता है। एक प्राइड मूवमेंट है, प्राउड मूव, सॉरी प्राइड प्राउड एक ही होता है पर मतलब हाँ। तो मतलब कि सोचा जाए तो मतलब बंदे की अकल तक दंग रह जाती है। वो एक छोटी सी उम्र का लड़का हो, उसने मतलब थ्योरम तक अपने बना दिए और मतलब 32 साल की फिर वो एज में फोत हो गए। अब देख, हम लोग होते हैं, हम लोग जब मैट्रिक में या नाइन्थ में होते हैं तो हमसे थ्योरम याद ही नहीं हो रहे होते, जो लिखे होते यार। मतलब काफ़ी मतलब हमें नहीं पता था, नॉलेज में इजाफा हुआ। सो शायद आप लोगों को काफ़ी मोस्टली लोगों को तो पता होगा लेकिन किसी किसी को भी ना पता होगा, तो जिनको नहीं पता तो नीचे आके बताएं। तो यार इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते एंड सब्सक्राइब।